बेटा, बहुत दिनों से मैं तुम्हें मिलना चाह रहा था, पर मौका नहीं मिला। आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन क्यों? एक जरूरी बात करनी है तुम्हारे साथ। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। देखो, बहू घर की इज्जत होती है, और पायल हमारी बहू है, बहुत प्यारी बहू है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? अपनी बहू से क्यों नहीं कहते? मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं? हाँ, तुम। जब से उसने तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, घर की सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। इतने बड़े हादसे के बाद भी पायल और सुमित दोनों एक हो गए थे, लेकिन जब से तुमने पायल को बिजनेस के लिए उकसाया है, उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह रहते हैं। आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? जब अपना ही पौधा सूखा हो तो मौसम को दोष देकर क्या फायदा? अपनी जबान को लगाम दो। मैं पायल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं पायल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, दरअसल मैं आपके बेटे के बारे में कह रहा हूं। आखिर उसने अपनी बीवी को दिया ही क्या है? दुख, तकलीफ, परेशानी, और तो और इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद वो दूसरी औरत के साथ रंग रंगिया मनाता फिरता है। तुम्हें क्या लेना देना, ये उनका घरेलू मामला है। तो फिर ये मेरे ऑफिस का मामला है, आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से पायल घर गृहस्थी भूल गई है, तुम्हीं ने उसे बिगाड़ा है। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं मिस्टर विश्वंभरनाथ। मैं सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज करके अब तक खामोश बैठा हूं। अगर कोई दूसरा होता तो उसे कप का धक्के मार के यहां से बाहर निकाल देता। तुम्हारी ये हिम्मत? ये मत भूलो कि पायल की वजह से तुम्हारा ये बिजनेस सेट हुआ है, वरना तुम बिजनेस करने के लायक ही नहीं हो। वाह विश्वंभरनाथ जी वाह, आपने कौन सा बिजनेस संभाला है? आप भी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। वो तो पायल ने आप लोगों को पैसों से थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, वरना आप लोगों का क्या होता? माइंड योर लैंग्वेज, हमने पायल के पास से एक पैसा नहीं लिया। हम उन खानदानों में से नहीं है जो बहुओं के पैसों से घर चलाएं। तो तुम मुझे ताना मार रहे हो कि मैं अपनी पत्नी के पैसों का लालची हूं? जस्ट गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। सुनिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बाबूजी के साथ ऐसे बात करते हुए। माफी मांगो उनसे। नहीं पायल, गलती इनकी है, मैं क्यों माफी मांगू? सुनील, बाबूजी से माफी मांगो वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। तुम मुझे जलील कर रही हो। जलील नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला रही हूँ। गलती इनकी है पायल, ये मेरे ऑफिस में और मुझे ताना मारना शुरू कर दिए। मैं नहीं जानती बाबूजी ने क्या किया, तुम उनसे माफी मांगोगे कि नहीं? आई एम सॉरी पायल, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। चलिए बाबूजी। शंभर, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है, कहाँ जाकर आया? माँ, वो जमुना मिली थी यार। जमुना? तू उससे मिलने गया था? मैंने तुझे मना किया था ना, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बच्चे देखेंगे और पूछेंगे तो क्या जवाब देगा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? माँ, उसने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं गया था। उसने रिक्वेस्ट की और तू चला गया? माँ, वो पायल के बारे में कुछ कहना चाहती थी। पायल के बारे में क्या कहना चाहती थी? माँ, पायल ने सुमित की प्रॉब्लम सुनील से जाकर कही, और सुनील ने अपने घर में जाकर कह दिया, इसलिए जमुना ने मुझे बुलाया था कि हम पायल को समझाएं कि वो घर के प्रॉब्लम्स बाहर डिस्कस न करे। वाह, कितनी शराफत दिखा रही है, हमारे घर की इतनी फिक्र हो रही है। मैं सब समझती हूँ, तेरे दिल में जगह बनाने के लिए वो ये सब नाटक कर रही है। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ कि उसकी बातों में आकर अपने दिल में जगह दे दूँ? तुम गलत सोच रही हो माँ, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो सच कह रही है। मैंने सुनील से जाकर बात भी की, और पता है,
उसने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। खैर पायल ने उसे डांटा भी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू किसी भी बहाने से उससे नहीं मिलेगा, समझा? ठीक है माँ, मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे घर की बातें बाहर जा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पायल और सुमित के बीच जो झगड़ा है उसे हम दोनों को मिटाना होगा, कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। तुझे तो पता है हमने कितनी कोशिशें की उनमें सुलह करने की, पर वो एक होना ही नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सच है कि पायल के दिल में सुमित के लिए जगह नहीं है, लेकिन अब सुमित को शक है कि पायल के कहीं बाहर गलत संबंध है। ये क्या कह रहा है तू? नहीं, मैं नहीं मानती, पायल ऐसी बच्ची नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। सुमित की हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ कि सुमित ने ऐसा सोच कैसे लिया। पति पत्नी के बीच अगर शक का बीज बोया जाए तो उन्हें एक नहीं कर सकते। मुझे सुमित से बात करनी होगी। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं बाबूजी, आपने जो सुना है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे पायल पर शक है। सुमित तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, अभी भी तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा करूं, इतने सालों में उसने जो नहीं किया है वो अब जाकर कर रही है। क्या कर रही है वो? बाबूजी ना पूछिए तो बेहतर होगा, खामखा बात बढ़ जाएगी। बात तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, सुनील को भी इस बात का पता चल चुका है, पायल ने उसे बताया। बात सही है, इसलिए तो उसने सुनील से कहा है, वरना सुनील से कहने की क्या जरूरत थी? नहीं सुमित, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें चाहे अपनी पत्नी पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है सुमित। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, यह बात सच है बाबूजी। क्या सच है, क्या देखा तुमने वो भी तो बताओ। जब मैंने देखा है तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन बेटा क्या देखा? बाबूजी प्लीज आप जिद ना करें, बेहतर आप उनसे मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकता। सुमित लगता है आप लोग मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए इसी वक्त बुलाया। हाँ बेटे, हमें मालूम है तो ऑफिस से थक कर आ गई है, पर हमारे दिल ने गवारा नहीं किया, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए इस वक्त तुम्हें यहाँ बुलाया। बहू हम जो कुछ भी तुमसे पूछे उसका सच सच जवाब देना। पूछे ना बाबूजी। सुमित तुमसे क्यों नाराज है बेटे? मुझे पता नहीं। देखो बहू तुम हमसे कुछ छिपा रही हो, सुमित तुमसे नाराज है और तुमने उसे ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि वो तुमसे क्यों नाराज है। बाबूजी आप तो जानते हैं कि आए दिन मेरे और सुमित के झगड़े होते रहते हैं, टेंशन्स रहती हैं, अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है, इसलिए मैंने पूछना ही मुनासिब नहीं समझा। पर सुमित का कहना कुछ और है, उसने हमें बताया कि क्या बताया? यही कि तुम्हारे किसी के साथ गलत संबंध है और सुमित को तुम पर शक है। झूठ कह रहा है वो, इल्जाम लगाने की तो तुम्हारी पुरानी आदत हो गई, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने दादी माँ और बाबूजी को कहना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए अपनी जुबान बंद रखी है। क्यों बंद रखी है? बोलो क्या बात है, साफ साफ कहो, मुझे किसी का डर नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? ब्लैकमेल? और पायल को? हाँ पूछिए इसे कि कोई आदमी इसे ब्लैकमेल कर रहा था कि नहीं, और ये बात ये आज तक हमसे छुपाती आ रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कोई आदमी इसे ब्लैकमेल कर रहा था, इनके बीच कुछ बातचीत हुई और पायल ने उसे पैसे दिए। पायल क्या ये बात सही है? तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि सुमित जो भी कह रहा है वो सच है। दादी माँ मैं आप लोगों से झूठ नहीं कह सकती, सुमित ने जो देखा वो तो सही था, लेकिन उसका जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल गलत था।
अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो सच क्या है, बताती क्यों नहीं? वो आदमी तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? दादी मां, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आखिर बात क्या है? एक शादीशुदा औरत को एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है और वो बताना नहीं चाहती, इसका मतलब जानती हो तुम? यही के इसका चक्कर किसी के साथ बाहर चल रहा है, संबंध है इसका। चुप रहो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए? कोई आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम वो बात हमसे छुपा रही हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम बताने से कतरा रही हो? तुम्हारे चुप रहने से तो यही साबित होता है कि जरूर तुम्हारा किसी के साथ कोई संबंध है। यही बात पत्नी अपने पति से छुपा सकती है? मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती। जिस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि ये बात मैं क्यों छुपा रही हूं, उस दिन होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। जब होश उड़ जाएंगे देखा जाएगा। तुम फिलहाल बताओ कि बात क्या है। देखो मुझे मजबूर मत करो, मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहती। तुम किसी और की इज्जत नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। किसी और की इज्जत का बहाना करके अपने इल्जाम को धोने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। देखा दादी मां किस तरह बात करके चली गई। बाबूजी अभी औरत इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। बस बस, पायल इस घर की बहू कहलाने के लायक है या नहीं इसका फैसला करने वाला तू कौन होता है? अभी मैं और तुम्हारी दादी मां जिंदा हैं। जा तू अपना काम कर। देख ऋषभ भाई, सुमित जो कह रहा था ठीक कह रहा था, तूने उसका मुंह बंद करवा दिया। लेकिन जब से पायल को बिजनेस करने की छूट मिल गई है पता नहीं क्या क्या कर रही है। अगर कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा था तो सुमित से छुपाने की क्या जरूरत थी? मां जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता हम पायल पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जरूर कोई बात है, वरना सुमित इतने विश्वास के साथ बात नहीं करता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर बाहर वालों को पता चल गया कि दीवान परिवार की बहू को कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो सोचो कितनी बदनामी होगी। देवयानी कुछ सुना तुमने क्या? सुनकर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन दादी माँ ने कहा है तो जरूर कोई बात है। ऐसा क्या कहा दादी माँ ने भाभी? दादी माँ ने कहा कि सुमित को पायल पर शक हो गया है, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं नहीं यकीन करने को तैयार। यकीन तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सुमित का कहना है कि उसने अपनी आंखों से देखा है और वो बार बार पायल से पूछ रहा है, मगर वो बताने को ही तैयार नहीं है कि उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। भाभी मुझे तो अपने आप से ज़्यादा पायल पर ही विश्वास है। कितने सालों से हम उसे जानते हैं, कैसे यकीन करें इस बात पर? यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सुमित के दिमाग से ये बात कैसे निकाली जाए? कुछ तो करना पड़ेगा भाभी, लेकिन इस बात को हमें संभालना होगा। देवयानी मुझे एक बात खटक रही है, इतने सालों से सुमित ने कभी कोई बात नहीं कही है, आज उसने ऐसी बात कही है तो ज़रूर कोई बात है। वो पायल से बहुत प्यार करता है, फिर वो खामखा पायल पर शक नहीं करेगा। इस बात का पता लगाना ज़रूर पड़ेगा। पायल क्या बात है, उदास नजर आ रही हो। लगता है आजकल खुशियां मुझसे रूठ गई हैं। सबका अच्छा करने जाती हूँ तो मेरा ही बुरा हो जाता है। जमाना ही ऐसा है, हर अच्छे इंसान के साथ में ऐसे ही होता है। बात क्या है? कुछ नहीं, छोड़िए ना। मुझे पता चला है कि सुमित को तुम पे शक है, उसे लगता है कि शायद तुम्हारे किसी के साथ में गलत संबंध है। झूठ कहता है वो, पागल हो गया है। सुमित कितना नैरो माइंडेड है, एक पति होकर अपनी पत्नी पर शक करता है। मुझे तो सुमित बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पायल मैं जब तुम्हें और सुमित को मिला था तो मुझे तुम दोनों के प्यार को देखकर बहुत खुशी हुई थी, अब उतना ही दुख हो रहा है।
एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि इसमें गलती किसकी है? गलती सुमित की है, हमेशा से वही गलतियां करते आए हैं और अब मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर वो तुम्हें गलत समझता है तो सच क्या है? सच में बता नहीं सकती, मजबूर हूं। ऐसी क्या मजबूरी है पायल? तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारा घर बर्बाद हो सकता है? भले ही मेरा घर बर्बाद हो जाए लेकिन मैं सच नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं गलत नहीं हूं। पायल मैं भी जानता हूं कि तुम गलत नहीं हो सकती हो। तुम जैसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें गलत समझती है। आखिर बात क्या है पायल, बताते क्यों नहीं? मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकती, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। आई एम सॉरी। हेलो, विशंबर जी से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। विशंबर जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। बोलो क्या बात है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं और माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, वैसे आपकी नाराज़गी जायज़ है। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे बेटा समझकर माफ़ कर दीजिए। इतनी बड़ी बात कह दी, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? वही बात जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी। हाँ विशंबर जी, मुझे याद है। मैं जानता हूँ कि पायल बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसकी वजह से वो अपने घर से दूर होती जा रही है। दूर हो नहीं रही है, दूर हो चुकी है। मैं उसे अपने घर वापस लाना चाहता हूँ। और तुम भी ध्यान दो अपनी पत्नी की तरफ, तुम भी उसे वक्त नहीं दे पा रहे हो, ये बुरी बात है। ठीक है विशंबर जी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। मैं धीरे धीरे सारी बिजनेस की जिम्मेदारियाँ अपने सर पर लेकर पायल को अपनी जिम्मेदारियों से दूर करूँगा। थैंक यू बेटा, मैं किसी तरह अपने बच्चों को एक रखना चाहता हूँ। जी ओके सर, मैं ये बात भी आपकी याद रखूंगा। बुड्ढा यह समझता है कि मैं सचमुच पायल को अपने बिजनेस से दूर कर दूंगा। वो कमीना यह नहीं जानता कि मैं तो सिर्फ पायल को खुश रखना चाहता हूं। हाँ, बाकी मैं संभाल लूंगा।